नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे KDDL लिमिटेड स्टॉक का रिव्यू, आखिर आने वाले सालों में इससे वैल्यू कहां तक जा सकती है, हमें कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी की एक चीज़ को जानना होगा। जैसे कंपनी का स्टॉक है और ये 5 पिलर है, अगर इन पिलर्स ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रहे हुए हैं तो भाई कंपनी का ग्रोथ आने वाले समय में अच्छी भी हो सकेगी और कंपनी अच्छा रिटर्न भी देने की कैपेबिलिटी रखती हुई देखी जा सकती है। पर इसमें से कोई भी अगर पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं रहा होगा या कोई भी पिलर वीक पड़ गया तो भाई कंपनी के स्टॉक की स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही देखेंगे भाई कंपनी के जो 5 पिलर्स है वो उन 5ों में से कितने स्ट्रॉन्ग रहे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारों को देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर का पिलर है कंपनी के रिटर्न का। तो अगर रिटर्न्स को देखें तो कंपनी ने एक साल में 92% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 71% का रिटर्न दिया है, और 2002 से अगर देखें तो अभी तक कंपनी ने 1573% का रिटर्न दिया है। यानी 2002 के साल में अगर आपने इस स्टॉक को 100 रुपये में ख़रीदा होता तो आज के समय में इसकी वैल्यू 3568 रुपये हो गई होती। तो हमने देखा भाई कंपनी रिटर्न के मामले काफ़ी अच्छी रही हुई, कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है, ठीक है। तो पहले नंबर का जो पिलर है हमें स्टॉक मिल गया। अब हम दूसरे पिलर की जाँच करेंगे जो कि है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। इसमें हमें यह देखना होगा भाई कंपनी जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसा क्या बना रही है। तो अगर 2020 में देखें तो कंपनी के द्वारा उस समय में 658 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम 0.59 करोड़, ठीक है। यानी 59 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम बनती थी 2020 में। और अगर 2024 में देखें 5 सालों के बाद तो कंपनी का रेवेन्यू 658 से बढ़ के 1402 करोड़ हो चुका है, 1420 करोड़, जो कि एक अच्छा संकेत है, कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अगर नेट इनकम को देखें तो भाई नेट इनकम भी 59 लाख से बढ़ के 102 करोड़ हो चुकी है। तो कंपनी की जो नेट इनकम है वो भी काफ़ी अच्छी बढ़ी है। तो हमने देखा भाई कंपनी रेवेन्यू भी अच्छा बना रही है, प्रॉफिट भी अच्छा बना रही है, यानी कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रही हुई है। तो कंपनी का दूसरे नंबर का पिलर है वो भी स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है, ठीक है। अब हम तीसरे नंबर की जाँच करेंगे जो कि कंपनी के एसेट्स रिपोर्ट। इसमें हम देखेंगे कंपनी की जो संपत्ति है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी का 514 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2024 में देखें 5 साल के बाद तो कंपनी की संपत्ति 514 करोड़ से बढ़ के 1156 करोड़ हो चुकी है। तो इसमें भी हमने देखा कंपनी जो संपत्ति है उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है तो इससे जो कंपनी की रेवेन्यू सोर्स है वो भी बढ़ सकेंगे। तो इसको भी हम कह सकते हैं कंपनी जो तीसरे नंबर का पिलर है वो भी स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है कंपनी के एसेट्स रिपोर्ट का। अब हम फोर्थ नंबर के पिलर की जाँच करेंगे जिसमें हमें देखना होगा कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे रही है नहीं। तो अगर कंपनी के डिविडेंड को देखें 2024 में कंपनी ने डिविडेंड दिया, 23 में 2 बार दिया और 22 में दिया, 21 में दिया। कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है और साल में कंपनी ने 2 बार भी डिविडेंड दिया है, ठीक है। अगर कंपनी लगातार इतना अच्छा डिविडेंड दे रही है तो कह सकते हैं भाई कंपनी की ग्रोथ के लिए भी प्लस पॉइंट होता है और साथ साथ में निवेशकों के लिए भी फायदा देखा जा सकता है। पर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा एक डाउटफुल ये है कि भाई कंपनी ने 25 जनवरी 2024 को क्या 58 रुपये का डिविडेंड दिया था, हो सकता है कोई सिस्टम में ये मिस्टेक हो, तो इसको मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ सच में 58 है या नहीं। तो दोस्तों हमने वापस से इसे चेक किया है, एक्चुअल में ये कोई मिस्टेक नहीं है, सच में कंपनी ने जो है 58 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा संकेत कहा जा सकता है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये भी एक अच्छा संकेत है, इससे हम कह सकते हैं कंपनी जो फोर्थ नंबर का पिलर है वो भी स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है, कंपनी जो है लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे रही है। तो भाई हमें यहाँ पे 5-4 पिलर लगातार स्ट्रॉन्ग मिल चुके हैं। अब हम 5वें पिलर की जाँच करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कि भाई कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर्स रहे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 50.21% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, और इस होल्डिंग में से कंपनी ने कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा, ये सारे शेयर कंपनी के पास रहे हुए हैं 50.21% शेयर, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड इसमें 0% रहा हुआ, एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारतीय बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा इसमें 1.63% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 11.70% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। और अगर विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में इतनी अच्छी मात्रा में निवेश करें तो कह सकते हैं भाई कंपनी जो है आने वाले कंपनी ने खुद को विदेशों में भी काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर लिया है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें 36% रहे हुए हैं लगभग, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी जो है लगभग बड़े इन्वेस्टर अच्छी मात्रा में रहे, अच्छी ये विदेशी इन्वेस्टर भी अच्छी मात्रा में है, और जो म्यूचुअल ये भारतीय बड़े इन्वेस्टर है वो भी लगभग अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, पर इसमें म्यूचुअल फंड 0% रहे हुए हैं। ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम कह सकते हैं कंपनी का फोर्थ नंबर का जो पिलर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा हुआ है, क्योंकि इसमें ना तो म्यूचुअल फंड है और भारत के बड़े इन्वेस्टर भी कम मात्रा में रहे हुए हैं। तो चलिए अब इन सारे चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो है 5 पिलर में से 4 पिलर तो स्ट्रॉन्ग देखने मिले और 1 पिलर वीक देखने मिला। तो इससे हम कह सकते हैं अगर इसमें निवेश करना का सोच रहे हो, आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। पर साथ साथ में इस चीज़ पर भी ध्यान रखना है कि जो पिलर कंपनी का वीक रहा हुआ है, जो कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, और ओवरऑल चीज़ को देखते हैं अगर आप इस कंपनी में निवेश करने का सोच रहे हो आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। और दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में आप इस टाइप की रिपोर्ट बनवाना चाहते हो तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कुछ ही टाइम में PDF फॉर्म में रिपोर्ट भेज देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।